माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का स्वतंत्रता अरे भाइयों बहनों और बच्चों, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और अमर हुतात्माओं को मैं नमन करता हूं। मध्य प्रदेश ने देश और समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के अनेक काम किए गए हैं और आगे भी करेगा। भोपाल में शौर्य स्मारक अपने आप में एक अनूठा आकर्षण का केंद्र है। इस कड़ी में 14 अगस्त को प्रदेश में पहली बार सरकार ने शहीद दिवस सम्मान दिवस मनाया। इस दिन सेना, पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल के शहीद जवानों के परिजनों से मिलकर जनप्रतिनिधियों ने उनके बलिदान का स्मरण किया। मैं प्रदेश के नागरिकों का आह्वान करना चाहूँगा कि देश के इस पावन अवसर पर वे ये संकल्प लें कि देश के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहेंगे। मध्य प्रदेश को पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, वहां से हमने इसे विकासशील राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए काम किया और अब विकसित मध्य प्रदेश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य प्रदेश को समृद्ध बनाने की ओर अग्रसर होना है। इसके लिए विकास और कल्याण के सभी क्षेत्रों का विभागवार 5 साल का रोडमैप बनाया जा रहा है। पूरी शक्ति से इस रोडमैप पर कार्य होगा। मुझे पूरा विश्वास है हम प्रदेशवासियों के सहयोग से समृद्ध प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप दे सकेंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर बनी हुई है। हमारी विकास दर पिछले सालों में लगातार डबल डिजिट में रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रति व्यक्ति आय जो 2000 में 13,722 रुपये थी, वह बढ़कर 79,907 रुपये इस वर्ष होने का अनुमान है। विकास के लिए हम नियमित बजट प्रावधानों पर निर्भर न रहकर आय के अन्य स्रोत भी तलाश रहे हैं। प्रदेश के संसाधनों, विशिष्ट कृषि उत्पादों, नई फसलों, निवेश के नए क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि समृद्ध प्रदेश के लिए धन की कमी आड़े ना आए। पिछली सरकारों ने गरीबी हटाने का नारा तो दिया, परंतु उस नारे को यथार्थ में बदलने हेतु जो प्रयास होने चाहिए थे उनमें कमी रह गई। नारों से आगे निकलकर बुनियादी सुविधा देकर गरीबी हटाने की हमारी प्रतिबद्धता है। हम मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएं जुटाने का कार्य आगे आने वाले समय में करेंगे और उनके साथ साथ गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का काम भी करेंगे, जिससे समृद्ध मध्य प्रदेश में गरीबी का कोई स्थान ना हो। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया, गणमान्य नागरिकों के संदेश का वाचन होगा और उसके उपरांत शांति के प्रतीक गुब्बारे इस सलामी मंच से मुक्ताकाश में गगन में यहां से उड़ाए जाएंगे और मुख्य अतिथि महोदया का आगमन पुनः मंच पर हो रहा है। और पुष्पा कॉन्वेंट
परेड करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और गढ़वा उसके ठीक पीछे एनसीसी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल आगर कुछ इस प्रकार के संदेश देते हुए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंदिर तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। Yeah.